हाथरे जामशेदजी टाटा फोटो अंपटे हंगर स्ट्राइक जे जो भाव में आज को पखापाखी जितेबले कि 22 दिन रु अर्ध टाटार जो भाव में बिजुली कर्मचारी संघ तरफ धारणा दिखाई विशेष करके शह शह संख्यार बिजुली कर्मचारी माने धारणा दी से दाबी जे आमे होचु आउटसोर्स कर्मचारी राज्य सरकार बा जो भाव में घर कंपानी मैंने जमीक चुक्ति रखी थे से ही चुक्ति कहीं पूरण करना सीधा साल आम आलोचना करवा जो मैंने हंग स्ट्राइक में बस आज्ञा कौन पर एमती गोटे जामशेदजी टाटा फोटो धरी हाथ में हंग स्ट्राइक बस एत दिन दाबी पर गोटे आभिमुख्य कौन पर आज अभिमुख हो आम हंग स्ट्राइक करवा जाऊ दीर्घ 10-12 वर्ष है आम साउथ कार्य काम कर आज को 23 दिन है को टाटार मैनेजमेंट आउथ कर्तृपक्ष आम कथा शुणी ना सब बेले ये जास कर आखि दिशुनि कि कान शुभुनि आमर कथा आमर हक आम ये बसीचु आमर हक्र दाबी जदि पूरण न हुए आम यू उठबू ना आगामी दिन में हंग स्ट्राइक होगा जाऊँ जमीक से मैंने हंग स्ट्राइक में बस आम आलोचना करुले जो भाव में जितेबले कि एत दिन बीतीगला 20 रु अर्ध दिन है कि कौन सी सरकारी बाबू हूँ बा कौन सी लोक प्रतिनिधि कथा कथा कहवा जो भाव में कहीं आसवापी नाराज कहीं आलोचना करना सीधा साल आलोचना करने सभापति अच्छा आज्ञा आज को प्राय के दिन होती धारण में बस कौन आभिमुख्य कमी देख धारणा 23 दिन है आज की तेईस दिन है सही कथा आगा जे हेमंत शर्मा 2018 फेब्रुवरी 9 तारीख दिन आमर आंदोलन चलता आमको डकईले से एनआरजी सेक्रेटरी इे ग्रीड को चेयरमैन उभय दायित्व थे आमको डकईले साउथ को कर्तृपक्ष आमको से कन्फरेन्स हल आलोचना कले सब पिला इनसोर्स कर दि 200 पिला रेगुलर कर पारे अधिक कर फेब्रुवरी 11-2-2018 साउथ को कर्तृपक्ष इनोन वाला आम बसिक आलोचनार सिद्धांत है जे 200 लोक को काम देवे से 2018-19 भितर कार्यक्रम कार्यक्षम हम आउ बड़का पिला इनसोर्स करेंगे किंतु एजावत किसी है ना बर्तमान जानुरी मसूर टाटा पावर आटा पावर आसला बेले आमको हाँ आम भाग आम करे जून मस पर्यटन कहते आम करूँ बोल जुलाई मस रही आम पॉलिसी ना आम कह पॉलिसी जाए ना पॉलिसी कर तैयार कर पॉलिसी करने ना ना आम सरकार कहले करूँ निश्चित भाव सरकार कहले करेंगे जो भाव में पॉलिसी रे ना एमती गोटे आउ थे पुणी गोटे अभियोग है आलोचना करवा आज्ञा जितेबले विभिन्न जिलूर आसपुर कथा कह मलकानगि कथा कह नवरंगपुर कथा कह एम दूर दूरतर केमती बस आज्ञा देखो आम तो आसपुर एत दूर आसचु आम जो अवस्था ये आज पड़ रही ना सरकार शुणुं ना टाटा पावर शुणुं आम पूरा मनरे आम पूरा विश्वास आम ये बसीचु जेपर्यंत आगे करेनि से पर्यंत आम ये बसबू आम शेष निश्वास जाए बसबू आज्ञा गोटे कथा हो कंठ फटे कि बारंबार एमती दाबी जनाऊँ राति पाइले राजरास्त बस दिन राति एमती काटुची परिवार चलेबाटा गोटे पटे अंपटे काम न पाइबा स्थायी निजुक्ति न मिलवा के आम तो बारंबार आपको सहित डिस्कसन कलु कर्तृपक्ष चारिथर डिस्कसन कलु आ पूर्व बहुत थर बसीचु आमर अवस्था आज शोचन दयन हो पर अवस्था हो कि आम खाया पिया रोया बहुत शोचन होने खाली मानने कहल कथा कहीकि आम मन जितने चाहूँ आम आम को आम एम को जड़े दौचु जिते प्रति कले मार्च मस कलेक्शन हो राति 12 घंटे करेन्ट जो पलाऊँच ए मैनेजमेंट ना डिपार्टमेंट चलू ना साउथ को ना ना टाटा पावर ना से राम को फोन कराऊँ अरे बाप आम गाँव में आज करेन्ट 4 घंटा है ना से पिला द्वारा मैनेजमेंट आज ढाई जिते बना बात्या हुए जिते फाइलिन हुड़ुड़ तितली कथा कह 1969 बना कथा कह से आम देखीचू जो भाव में पोल उपर चढ़ी आपने काम कर दिखती लोक सेवा पहुँचा दिखती से सेवार रेजल्ट केमती कहीं जिते आपको प्रतिक्रिया देना देखो आमर फाइलिंग तो आम साउथ को रहीला हुड़ुड़ तुतिली जो होता जगत सिंहपुर कटक भुवनेश्वर यही मैनेजमेंट आमर आउटसोर्स पिला डायरेक्ट अर्डर काढ़ी आम से कम कर पठे पार्ला मात्र एवं कौन आम जो आमर कथा दाबी करूँ
ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ସରକାରକୁ ଦେଖ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ସରକାରକୁ ପଠାଉନଥିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସାଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ କାମ କରିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ, ଏମିତି ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ମେନ୍ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ମେନ୍ ହେଉଛି 200 ପିଲା ଆମ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଦେବା, ଆଉ ଅଦର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସୋର୍ସ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବୁଲେଇଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବ, ପିଲା ଖୁସି ଥିଲେ, ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ, ଇନ୍ସୋର୍ସ କରିବ, ମାତ୍ର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ରିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଦାବି ନ ପୂରଣ ହୁଏ ତ ଆମେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 23 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ନା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ନା କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୁକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, କ'ଣ ଆଗକୁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।